Hello everyone, and I welcome to my channel Career Glow. And Career Glow is happy to help you in your CTET paper 1. तो ये आपको पता ही है, जैसे 5th क्लास का EVS का समरी हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हम जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं वो होगा एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी कि हर एक जो बूंद है उसे काउंट करना ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस एक रिसोर्स है हम लोगों के लिए, सभी के लिए एक्चुअल वे में. तो इसलिए एवरी ड्रॉप जो होती है वो काउंट होती है. तो हम जैसे कि जानते हैं कि हम लोगों ने सुपर सेंसेस का पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया था, स्नेक चार्मर स्टोरी भी हमने पढ़ लिया था, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग करके जो 3rd चैप्टर है वो भी हमने पढ़ लिया था, 4th जो मैंगो राउंड द ईयर है वो भी, और पिछली क्लास में हम लोगों ने सीड्स एंड सीड्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे स्प्राउट्स हो गया और बाकी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था. तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6th चैप्टर, जो कि है एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी कि हर एक ड्रॉप जो है वो काउंट होती है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है. राइट, तो चलते हैं हम इस अपने टॉपिक पे आज. तो देखो, ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले तो यहाँ से. ये वाला एक फ़ोटो दिखाया गया है, मतलब ऐसा ही एक फ़ोटो है जो कि आपके बुक में है, उसमें लिखा है सर. सबसे पहले शुरू करते हैं गटसी सर. तो गटसी सर जो है वो बेसिकली एक एरिया है विच इज़ इन जैसलमेर, एक्चुअली तो राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, और जैसलमेर में एक प्लेस है जिसे हम कहते हैं घाटसी सर. तो ये जो घाटसी सर है उसमें सर का मतलब होता है लेक, जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लैक उससे पेन से. तो घाटसी सर में जो सर का मतलब वो होता है लेक. तो पहले के टाइम पे क्या है ना कि पानी को स्टोर करने के लिए मैन मेड लेक वगैरह बनाई जाती थी, जो झीलें होती थी वो सब बनाई जाती थी. तो किंग घाटसी थे ऑफ जैसलमेर के, उन्होंने ये 650 ईयर पहले बनाई थी. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है कि जो किंग घाटसी थे उन्होंने इस लेक को ना रीबिल्ड करवाया था. बेसिकली ये रावल करके कोई एक किंग थे, उन्होंने ये वाला जो घाटसी लेक है वो बनवाया था, बट मतलब घाटसी सर जो लेक है वो बनवाया था, लेकिन इसे रीबिल्ड घाटसी किंग ने करवाया था, किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर, जिन्होंने 650 ईयर में, मतलब 650 ईयर्स अगो पहले ये बनाया था, और लोगों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पीपल, उन्होंने ये जो लेक है वो बनाया था. अब इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि ये जो चीज़ है ना कि किस तरीके से लोग जो है वो पानी को स्टोर करते थे, मतलब हमारे पूर्वज ना लिटरली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, मतलब उन्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज थी कि किस तरीके से पानी को कलेक्ट करना है. तो वही चीज़ लिखी है, रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स, मतलब ये बहुत मीलों तक फैला होता था, मतलब जो लेक थी वो बहुत मीलों तक फैली हुई थी, एंड किस तरीके से रेन वाटर को कलेक्ट करते थे वो बताया हुआ है. यहाँ पे लिखा है इट वाज मेड इन सच अ वे, इसको इस तरीके से बनाया गया है दैट जब एक लेक फुल हो जाए, टोटल यहाँ पे ना 9 लेक्स होती थी, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि टोटल 9 लेक हुआ करती थी, और जैसे एक लेक भरती थी उसके बाद दूसरे लेक में पानी अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाता था. तो यहाँ लिखा है इट वॉज मेड इन सच अ वे, इसको इस तरीके से बनाया गया है दैट वेन द लेक वॉज फुल, जब एक लेक फुल हो जाए, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो दूसरे वाले लेक में फ्लो हो जाएगा लोअर लेवल पे, मतलब जो दूसरे लेक है उसमें फ्लो हो जाएगा जो लोअर लेवल पे होगा. मतलब आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, पहले यहाँ फिल हुआ, फिर यहाँ फिल हुआ, फिर कुछ इस तरीके से ये फिल हो जाएगा, और जब वो भी फिल्ड हो जाए, व्हेन दैट टू फिल्ड अप, जब वो भी लेक फिल्ड अप हो जाए, तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो दूसरे लेक में फिल हो जाता था, और ऐसा करके दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. तो हमारे जो पूर्वज हैं वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उन्होंने 9 लेक्स को, 9 झीलों को भरने के लिए पूरा सिस्टम बनाया, तो ऐसे करके 9 लेक जो है वो भर जाती थी. दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर, और पूरा साल आप इस पानी को यूज़ कर सकते थे, इस रेन वाटर को यूज़ कर सकते थे. एंड आज जो घाटसी सर है वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स एंड कॉलोनी जो है वो इन बिटवीन दोज 9 लेक, उन 9 लेकों के बीच में ये बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो बन गई हैं, जिसकी वजह से नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड, अब जो है वो पानी कलेक्ट नहीं होता है इन लेक में, और पानी जो है रेन वाटर ऐसे ही फ्लो हो जाता है और वेस्ट हो जाता है. तो ये एक स्टोरी बताई है कि सारी ही जो, मतलब जो एवरी ड्रॉप है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और किस तरीके से हमारे पुराने जो जैसलमेर के किंग होते थे या हमारे जितने भी किंग्स हैं, उन्होंने किस तरीके से पानी के रिसोर्स को, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करी, तो कैसे 9 लेक जो हैं वो भर जाती थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि थ्रू दी आइज़ ऑफ अलबरूनी, तो पहले हम एक बार देख लेते हैं अलबरूनी कौन थे, कहाँ से आए थे. सो मोर देन 1000 ईयर्स अगो, मतलब हज़ारों सालों पहले एक ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे, जिनका नाम था अलबरूनी, जो बेसिकली ना ख्वारज्म करके एक जगह है उज़्बेकिस्तान से, वहाँ से आए थे. मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये 5th क्लास ही तो है, तो 12th क्लास अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे एक चैप्टर है 12th क्लास का, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया हो तो उसमें एक चैप्टर है जो है थ्रू दी आइज़ ऑफ ट्रैवलर करके, तो उसमें अलबरूनी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो बेसिकली अभी तो हम वहीं यही समझते हैं कि वो उज़्बेकिस्तान से आए थे, और अल बरूनी बहुत ही केयरफुली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो भी वो हमारे इंडिया में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मोर देन 1000 ईयर्स अगो, मतलब 1000 साल पहले एक ट्रैवलर था जो इंडिया आए थे, जिनका नाम था, हिज नेम वॉज अल बरूनी एंड द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम, जहाँ से वो आए थे, इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। उसको आज हम उज़्बेकिस्तान कहते हैं, उस टाइम पे ख्वारिज्म करके एक जगह थी, वहाँ से वो आए थे। एंड अल बरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड, अल बरूनी ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ, जो भी उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग, उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपनी कंट्री से डिफरेंट लगी। मतलब ऑब्वियसली ना, हम दूसरी कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता ही है, तो उन्हें जो अपनी कंट्री में डिफरेंट लगा, तो मतलब अपनी कंट्री से जो डिफरेंट लगा उसके बारे में लिखा। एंड हियर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट, और ये एक छोटा सा पार्ट है ब्लू कलर का जो है, इसमें उन्होंने लिखा, हियर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम, कि उस टाइम के जो तालाब होते थे इंडिया में उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा। तो यहाँ लिखा है, द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड, मतलब लोग जो हैं इंडिया में तालाब बनाने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, कुशल हैं। My countrymen would be surprised to see them, मेरे जो कंट्री के लोग होंगे ना वो बड़े सरप्राइज होंगे इसको देखने, मतलब जब वो अगर ये देखेंगे या इसके बारे में सुनेंगे ना, तो बड़े सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरीके से इंडियन जो लोग थे, दे पाइल अप, उन्होंने पाइल अप किया ह्यूज रॉक्स, मतलब बहुत सारे रॉक्स को लगाया एंड ज्वाइन देम विद आयरन रॉड्स, आयरन रॉड्स को ज्वाइन करके उन्होंने चबूतरा बनाया ऑल अराउंड द लेक, मतलब ये जैसे लेक है इसके आसपास उन्होंने एक चबूतरा टाइप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केसेस गोइंग अप एंड डाउन, मैं अभी आपको फोटोज़ भी दिखाऊंगी ना, उससे भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो यहाँ पे ना तालाब के अंदर जाने के लिए स्टेयर केसेस बनाई जाती थी, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बनाई जाती थी, प्लस सीढ़ियाँ जाने के लिए अलग थी अंदर एंड ऊपर आने के लिए अलग थी, सो दैट क्राउडिंग से बचा जा सके। तो यहाँ लिखा है, द स्टेप्स फॉर गोइंग अप, ऊपर आने के लिए जो स्टेप बनाए गए थे, ऊपर आने के लिए जो वो बनाई गई थी ना, क्या बोलते हैं उनको, जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी वो अलग बनाई गई थी और नीचे जाने के लिए अलग सेपरेट थी, सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग, ताकि वहाँ पे जो क्राउडिंग है, मतलब इतना ज़्यादा क्राउडिंग ना हो। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उन दिनों के बारे में, और अल बरूनी ने जो लिखा उसके बारे में भी, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज, उस टाइम के बारे में फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल बरूनी हमें बहुत कुछ चीज़ें पता चलती हैं। और ये जो स्टेम है वो 1973 में आया था एंड 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, उनके बर्थ के हज़ारों सालों के बाद ये चीज़ आई, ये चीज़ लोगों को, मतलब उस टाइम के लोगों को भी पता चला, ये स्टैम्प जो था वो कुछ टाइम बाद आया, हज़ारों सालों बाद आया। एंड यहाँ पर ना एक और चीज़ लिखी हुई है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो यहाँ पे लिखा था कि हमें ना सिर्फ बुक्स के थ्रू या ट्रैवलिंग जिसने करी है उसके अकाउंट पर ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अदर सोर्सेज भी पढ़ने चाहिए हिस्ट्री की, जैसे कि पुरानी बिल्डिंग्स पढ़नी चाहिए, कॉइन्स की स्टडी करना चाहिए, पेंटिंग की स्टडी करना चाहिए, इनसे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या, हम पढ़ रहे थे ये 6th चैप्टर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो गाडसी सर है, एक एरिया है विच इज़ इन जैसलमेर, और यहाँ पे किंग गाडसी थे जिन्होंने यहाँ पे जैसलमेर में जो है लेक बनाई थी 650 साल पहले लोगों की मदद से, और रेन वाटर किस तरीके से कलेक्ट होता था, पहले एक लेक भरती थी, फिर उसके बाद दूसरी लेक भरती थी, फिर तीसरी, और ऐसे करके 9 लेक भर जाती थी। तो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंटली ये लोग अपना काम करते थे, रेन वाटर को जो है वो हार्वेस्ट करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखे। लेकिन आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है, क्योंकि जो रेन वाटर है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है नई नई कॉलोनीज़ और बिल्डिंग्स बनने की वजह से। और इसके अलावा जो अल बरूनी है वो बताते हैं कि जब वो इंडिया विज़िट करे थे, तो जब वो उज़्बेकिस्तान से यहाँ पर आए विज़िट करने, तो यहाँ पर उन्होंने तालाब देखे कि लोग यहाँ पर बड़े स्किल्ड हैं, कुशल है तालाब बनाने में, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चबूतरा रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाते थे और स्टेप्स होते थे, मतलब स्टेयर केसेस होते थे अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए, ये सब उन्होंने बताया। और सोर्सेज जो हैं हिस्ट्री के, वो ओल्ड बिल्डिंग्स भी को भी आप स्टडी कर सकते हो, कॉइन्स की भी एंड पेंटिंग्स की भी स्टडी कर सकते हो, ये भी लिखा है। प्लस ये है एक रेन वाटर का, रेन वाटर हार्वेस्ट करने का एक तरीका है ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये छत है, दिस इज़ टेरेस, ये टेरेस है, ये छत है, यहाँ पे पानी जो है वो आ रहा है, मतलब रेन वाटर यहाँ पे पानी आ रहा है, ये पाइप के थ्रू पानी जो है नीचे जा रहा है, और ये जो विमेन है वो यहाँ से पानी जो है वो ड्रॉ कर रही है, निकाल रही है। तो ये एक सिस्टम होता था यहाँ पे, और हर घर में, मतलब ऐसा कोई घर नहीं था कि जहाँ पर भी ये वाला सिस्टम ना हो, ये लोग बहुत इंटेलिजेंटली पानी को स्टोर करने का काम करते थे। अब यहाँ लिखा है, बिसाइड जैसलमेर
मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. मतलब राजस्थान में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, जैसलमेर के अलावा भी बहुत सारी जगहें ऐसी जहाँ पे पानी जो है वो बहुत कम आता है, मतलब रेनफॉल जो है वो बहुत बहुत कम होती है. हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज, कभी कभी तो पूरा साल में कुछ ही दिन रेनफॉल होता है एंड समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कभी कभी तो उतना भी रेनफॉल जो है नहीं होता, राइट. तो जैसलमेर एक प्लेस है राजस्थान में, वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है और कभी कभी तो पूरा साल बहुत कम रेनफॉल होती है और कभी कभी होती ही नहीं है. द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर, और रिवर्स में पानी भी नहीं होता पूरा साल, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी एंड येट का मतलब है फिर भी, मोस्ट ऑफ दी जो विलेजेस हैं इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी का शॉर्टेज नहीं होता. पानी का शॉर्टेज क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लोग जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से पानी को सेव करना है. पीपल न्यू, क्योंकि वो इस वाले स्ट्रक्चर को भी जानते हैं कि कैसे पानी को हमने, रेन वाटर को हमने हार्वेस्ट करना है, सेव करना है. प्लस पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस, की सारी ही ड्रॉप जो हैं पानी की वो बड़ी प्रीशियस हैं, तो इसलिए वो झील बनाते थे एंड झोड़ बनाते थे, वर मेड टू कलेक्ट वाटर. अभी मैं आपको बताऊंगी झोड़ क्या होता है बेसिकली. एंड वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, सबकी नीड होती थी पानी. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, पानी को हार्वेस्ट करने के लिए, पानी को जमा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए. कोई चीज़ बनानी है, जैसे लेक बनाना है, झोड़ बनाना है, तो बिजनेसमैन हो चाहे लेबरर हो, क्योंकि पानी हर किसी को ज़रूरी है, तो हर कोई आता था सामने काम करने. एंड सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ीज, या फिर इनको हम स्टेप वेल कहते हैं. दिस इज़ द स्टेप वेल एंड द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल. जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, सीधी सी बात है, वहाँ का जो सॉइल होगा वो भी फर्टाइल होगा, अच्छा खासा होगा. पानी में नमी हो, सॉरी, जो आपका मिट्टी होता है, सॉइल होता है, उसमें नमी होगी. तो लेक या जोड़ बनाने में हर कोई आता था, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो लेबरर्स हो. और इवन कभी कभार ऐसा भी होता है कि पानी जो है वो सॉइल के अंदर चला जाता है और नीचे पानी जमा हो जाता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. मतलब ये मिट्टी है, मिट्टी ने पानी को सोख लिया और पानी जो है वो नीचे कलेक्ट हो गया. तो कई बार ऐसा भी होता था कि पानी जो है वो नीचे कलेक्ट हो जाता था और हम फिर उसको निकाल लेते थे गड्ढा वगैरह खोद करके. तो दिस इज स्टेप वेल, बेसिकली ये स्टेप वेल है आपका, इसको हम स्टेप वेल कहते हैं. और ये आया था एक मूवी में जो है पहेली, और इस वाले आपके जो बुक है उसमें भी स्टेप वेल्स बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है. ये फोटो है स्टेप वेल की, दिस इज़ द फोटो ऑफ स्टेप वेल, जिसमें बहुत सारे स्टेप हैं. जाओ नीचे जाते रहो और आपको पानी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा. तो आप जाओगे इधर तो आपको पानी मिल जाएगा. ये सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं एंड इसको हम स्टेपवेल कहते हैं और इसको हम झोड़ कहते हैं. ये झोड़ है, ठीक है, ये लोग बनाते थे क्योंकि सबको पानी की ज़रूरत है, तो सभी लोग जो है मिलके हेल्प करते थे. जो भी पैसा वैसा खर्च करना है, जो भी चीज़ें हैं उसमें हेल्प करते थे. तो ये जो है मैंने एक मूवी से लिया है जो है पहेली, उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में बताया है. और इवन ये भी बताया है कि जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, बीच में उनको पानी की ज़रूरत पड़ी ना, तो जाओ सीढ़ियों से और पानी पियो, और या अपना जो हाथ धोना है, पानी पीना है, आप पी लो अच्छे से. तो ये सब स्टेप वेल जो होते थे पानी वगैरह पीने के लिए, इन सब के लिए भी यूज़ करते थे, सो दैट पासर बाइज जो होते हैं ना, जो मतलब राहगीर होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ये एक मूवी में था, बहुत अच्छा सीन है. मूवी से भी हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और पिक्चर्स के थ्रू भी. तो ये वो स्टेप वेल का पिक्चर है. एंड नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये है कि एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, और सारा जो पूरा एक घर होता था, हर घर में रेन वाटर कलेक्ट करने का एक सिस्टम होता था. जैसे कि ये था, ये एक रेन वाटर कलेक्ट करने का सिस्टम है. एंड इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, मतलब कुएं से पानी निकालने से बेहतर है कि पीपल जो है वो नीचे जाते थे, मतलब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए नीचे जाते थे एंड वाटर तक पहुंच जाते थे. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स, इसलिए इनको स्टेप वेल्स कहते हैं. एंड लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज, लोग जो थे वो बहुत लंबी लंबी जर्नी उस पर जाते थे, अपने कारवास के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ जाते थे, विद देयर कारवास ऑफ एनिमल्स के साथ, या अपने सामानों के साथ जाते थे. मतलब कभी कभी वो ग्रुप में जाते थे लोग जो हैं एनिमल्स के साथ, अपने सामान को लेकर अगर ट्रेड करना हो. पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स, इसलिए उन्होंने स्टेप वेल्स बनाए बहुत ब्यूटीफुल, ताकि ट्रैवलर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड वाटर अरेंजमेंट किया गया, ये भी सेम मूवी पहेली से ही लिया गया है ये फोटो. और इसी को हम कहते हैं मशक या लेदर बैग, इसमें पानी फिल्ड होता था. और लास्ट में मूवी में भी यही होता है, पियाऊ बनाए जाते थे जहाँ पे हम पानी वगैरह जो है वो पी सकें. सो यही था आपका फर्स्ट, आज यही था आपका फर्स्ट पार्ट इस वाले चैप्टर का. और आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं. कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग. और नेक्स्ट क्लास में आपको इसी एवरी ड्रॉप काउंट्स का एक नया आपको वो देखने को मिलेगा, मतलब आपको इसका सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है. तो मुझे लगा कि मतलब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ही लेकर आते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी और है जो कवर करने वाला है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.